अस्सलाम वालेकुम। रेस्पिरेशन में आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूविक एसिड एंड क्रेब्स साइकिल्स। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो फिनोमिना है ये साइटोसोल में होता है। इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पाइरूवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। अब ये जो पाइरूवेट का मॉलिक्यूल बना है ये एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के लिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ही माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद पाइरूवेट जो है ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि इसको एक इंटरमीडिएट फेज से गुजरना पड़ता है जिसे ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट कहते हैं। ये एक लिंक रिएक्शन कहलाता है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो पाथवे जो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इन दोनों को ये लिंक करता है। तो पहले हम ये देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट किस तरह से होता है और जो पाइरूवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में किस तरह से कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट का जो पहला स्टेप है वो डी कार्बोक्सीलेशन कहलाता है। डी कार्बोक्सीलेशन में ये पाइरूविक एसिड का मॉलिक्यूल जो है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो ये डी कार्बोक्सीलेशन है। और उसके बाद एसीटल्डिहाइड बनता है। एसीटल्डिहाइड जो है इसमें डी हाइड्रोजिनेशन का फिनोमिना होता है और NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH में। और जो एसीटल्डिहाइड है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और NADH ये रिड्यूस हो जाएगा और एसीटल्डिहाइड इस तरह से एसीटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद कोएंजाइम ए ऐड होता है और एसीटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर एसीटाइल कोएंजाइम का जो मॉलिक्यूल है ये फर्दर क्रेब्स साइकिल जो है इसमें एंटर होता है। क्रेब्स साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि सर हैंस क्रब जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था इसने इस सारे फिनोमिना को डिस्कस किया था। इसी को ही सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो पहला कंपाउंड बनता है क्रेब्स साइकिल में वो सिट्रेट होता है और इस सिट्रेट के मॉलिक्यूल में तीन कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी TCA साइकिल भी कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल जो है इसके 9 स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप से हम इसको स्टार्ट करते हैं जिसे सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस में जो एसीटाइल कोएंजाइम है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। एसीटाइल कोएंजाइम वाटर मॉलिक्यूल और जो प्रीकर्सर है ऑक्सैलो एसीटेट ये ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। 4 कार्बन ये कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड के साथ ये मिलके बनाता है सिट्रेट। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो डिहाइड्रेशन कहलाता है। इसमें सिट्रेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो जाता है और इसके रिजल्ट के तौर पर सिस अकोनिटेट ये एक मॉलिक्यूल बनता है। तीसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप जो है वो हाइड्रेशन कहलाता है। हाइड्रेशन जो है इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और जो सिस अकोनिटेट है ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली जो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट है ये एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म है जो इन स्टेप्स में बनती हैं। नंबर 4 जो स्टेप है ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन कहलाता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन ये 2 स्टेप में होती है। एक इसमें आइसोसिट्रेट जो है इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होती है और इसके बाद फिर डीकार्बोक्सीलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इसमें से निकलता है और फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है। जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आइसोसिट्रेट से निकलते हैं वो NAD के साथ कंबाइन करके NADH बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और अब जो 6 कार्बन कंपाउंड था ये कन्वर्ट हो गया 5 कार्बन कंपाउंड में जिसे अल्फा कीटो ग्लूटारेट कहते हैं। और इस फिनोमिना में 2 प्रोसेसेस हुए हैं, डीकार्बोक्सीलेशन भी हुई है और डिहाइड्रोजिनेशन यानी ऑक्सीडेशन भी हुई है, तो इसको इकट्ठा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन का फिनोमिना भी कहते हैं। फिर जो 5वां स्टेप है उसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए होता है। इसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है उसकी फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन होती है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ये NAD के साथ कंबाइन करके NADH बना देते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसमें से रिलीज होती है
और फिर ये कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना देता है। अगला जो स्टेप है, जो स्टेप नंबर 6 है, इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है। कोएंजाइम ए जो है ये रिमूव हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से और ये बन जाता है सक्सिनेट। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है और इसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि जो जीटीपी है उसकी फॉर्मेशन होती है जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और फिर जीटीपी जो है ये एडीपी के साथ कंबाइन करता है और खुद ये जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर सिंथेसिस किसकी होती है, एटीपी की। तो इस रिएक्शन में एटीपी जो है ये जनरेट होता है। नेक्स्ट जो है ये स्टेप नंबर 7 है, जिसे ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन, ये भी इकट्ठा फिनोमिना होता है। इसमें सक्सिनेट जो है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन सॉरी ऑक्सीडेटिव और डिहाइड्रोजिनेशन इसमें होती है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं सक्सिनेट से वो एफएडी के साथ अटैच होके एफएडीएच 2 बना देते हैं और जो सक्सिनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमारेट में। तो इस वाले स्टेप में डिहाइड्रोजिनेशन हुई है, सक्सिनेट जो है ये ऑक्सीडाइज होके फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो गया और एफएडी जो है ये रिड्यूस होके एफएडीएच 2 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 8, ये हाइड्रेशन कहलाता है। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और फ्यूमारेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। लास्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 9, इसमें फिर डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि ऑक्सीडेशन होती है। मैलेट जो है इधर से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होते हैं वो एनएडी को एनएडीएच में कन्वर्ट कर देते हैं और आगे जो कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसीटेट, यही वो प्रीकर्सर सब्सटेंस है जो कि क्रेब्स साइकिल को दोबारा से स्टार्ट करता है। अब जो क्रेब्स साइकिल है, अगर हम एक मॉलिक्यूल पाइरूवेट को कंसीडर करें तो फिर इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट होती है, 1 एटीपी, 3 एनएडीएच और 1 एफएडीएच2। और अगर हम ये देखें कि 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पाइरूवेट के बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो अगर ये 2 दफ़ा साइकिल चले तो फिर 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 एटीपी, 6 एनएडीएच और 2 एफएडीएच2 बनते हैं। ये जो ग्लूकोज की जो एनर्जी थी ये अब कन्वर्ट होके NADH और FADH2 में आ गई है। ये 2 मॉलिक्यूल्स फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एंटर हो जाएंगे और फिर वहाँ पर ATP को प्रोड्यूस करेंगे।